देखिए, आपको आज हम दिखाएंगे इस वीडियो में परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या होता है? जैसे किसी कंपनी ने कोई सामान का ऑर्डर दिया है, वो हमें खरीदना होता है, ठीक है। और जो सेल्स ऑर्डर है, वो बेचने वाला जो ऑर्डर होता है, वो हमें उस टाइम तक भेज देना पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार से सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर के एंट्री, जैसे कि आपने देख रहे हो साइड में, हमने वो कंपनी ऑलरेडी बना दी है परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर के नाम से, ठीक है। इस प्रकार से इसके बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे हम अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाकर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप देख सकते हो इधर इस साइड में सेल्स एंड परचेज दिख रहा होगा। यहाँ से देखो इसमें क्या है, सेल्स ऑर्डर यहाँ पे लिखा होगा एफेट के नीचे, यहाँ पे एरो की से, ठीक है। इस प्रकार से वो हाइड हो रहा है। इस प्रकार से इधर से भी हम परचेज में यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा परचेज ऑर्डर, ठीक है। इस प्रकार से हमारा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एनेबल नहीं है ये अभी। इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बार से करेंगे हम एस्केप, ठीक है। एस्केप करेंगे, एस्केप करने के बाद बाहर आएंगे। बाहर आकर यहाँ इसके गेटवे ऑफ टैली पे, टैली का पहला पेज होता है, एंटर करेंगे अल्टर पे। अल्टर पे जाने के बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे वाउचर टाइप पे। यहाँ हम वाउचर पे, वाउचर पे आने के बाद आपको दिखाई दे गया होगा नीचे, जैसे कि यहाँ पे परचेज ऑर्डर लिखा हुआ है। परचेज ऑर्डर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद एक्सेप्ट यहाँ पे आएंगे हैं, ठीक है। यहाँ का वाउचर यहाँ से करेंगे इसे अप्लाई, यस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसे एंटर एंटर करके इसे भी दिस वाउचर टाइप का भी ये हमारा हो गया। इस प्रकार से इनेबल हो जाएगा, एक्टिवेट हमारा हो गया। अभी एक्सेप्ट करा लिया हमने तो एक्टिवेट हो गया। इस प्रकार से सेल्स ऑर्डर भी हमारा यहीं से होगा इसी प्रकार से, ठीक है। यहाँ से कैसे भी एंटर करेंगे सेल्स ऑर्डर को, ठीक है, इसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से यस कराएंगे, यस कराने के बाद इसे भी हम एंटर एंटर करके, बाकी इसमें और कुछ नहीं करना, इस प्रकार से हम एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये एक्सेप्ट हो गया। इस प्रकार से हम इसे करेंगे बैक। यहाँ आएंगे, इसके बाद आने के बाद दोबारा से हम वाउचर पे जाएंगे। वाउचर पे जाने के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ से का क्या दिखा रहा है, इधर इस प्रकार से परचेज ऑर्डर आ गया। डबल अंडरलाइन है। तो इस प्रकार से देखो सेल्स के, अब हम सेल्स भी दिखाएंगे आपको। यहाँ पे सेल्स ऑर्डर, यहाँ से का सेल्स है, ठीक है। इस प्रकार से, या तो हम यहाँ से माउस से क्लिक करके भी कर सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि देखो अब इंटरफेस ये आ गया सेल्स का। नहीं तो हम इसका दूसरा एक हमारा जो है शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल F9 और कंट्रोल F8, ठीक है। जैसे कि कंट्रोल F9 से ऑर्डर आ गया परचेज का है, कंट्रोल F9 से और F8 से सेल्स ऑर्डर। इस प्रकार से आने के बाद अब हम करेंगे सबसे पहले परचेज की एंट्री कर लेते हैं। कंट्रोल F9 किया, एंटर किया। यहाँ पे आने के बाद कोई भी नाम भर लेते हैं, जैसे चलो यहाँ इसका कैश ही रखते हैं। यहाँ इसका इस प्रकार से ऑर्डर का नाम हम कुछ नहीं डालते, या फिर हम डाल भी सकते हैं लेने वाले का, ठीक है। यहाँ से कितना नंबर है, ऑर्डर नंबर फर्स्ट है हमारा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से हम क्रिएट करेंगे परचेज का लेटर, ठीक है। परचेज हो गया, परचेज किसके अंडर में आता है, परचेज आता है परचेज अकाउंट के अंदर में। यहाँ से हमने परचेज ले लिया, ठीक है। परचेज हो गया परचेज अकाउंट के अंदर में। इस प्रकार से इसे करेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया, इस प्रकार से हमारा इसमें क्लियर हो गया। इसके आने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, ओल्ड सी। ओल्ड सी से करने के बाद यहाँ से हम कोई भी सामान खरीद लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ खरीद लेते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर हो गया, यहाँ पे हम हार्डवेयर अंडर में पूछ रहा है कंप्यूटर किसके अंडर में आता है, हार्डवेयर या इलेक्ट्रीशियन, इस प्रकार से किसी के अंडर भी डाल सकते हैं। यहाँ से हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ से क्या कर लेंगे, चलो हम अंडर में डाल लेते हैं ऐसा हार्डवेयर। ओल्ड सी क्या, इसे इस प्रकार से एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ से क्या डालेंगे, हम यूनिट्स में डालेंगे हम पीस PCS, एंटर। यहाँ से भी हम PCS डाल लेते हैं, ठीक है। ये आ गया, पीस में कितना होता है, एक होता है। इस प्रकार से हम इसे एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। ये हमने डाल लिया। इस प्रकार से यहाँ आ गए, यहाँ क्वांटिटी और यहाँ से क्या देखो, यहाँ से दिखा रहा डेट कितना, किस तारीख का हमने लेना है ऑर्डर, हमने किस तारीख का दिया है, 1 अप्रैल 2023। यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलो यहाँ इसका 2.4 डाल दिया, ये डाल दिया, या फिर कुछ भी डाल सकते हैं हम इस प्रकार से, या फिर खाली देखो 8 यानी कि 8 दिन बाद आ जाना चाहिए। इस प्रकार से हम कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम डाल लेते हैं, अब जब मान के चलो हम डेट ही डाल लेंगे कोई, यहाँ इसका डाल लेंगे हम 4/1/2.4, ठीक है। यहाँ से हमने डेट डाल ली। इस प्रकार से क्वांटिटी पूछ रहा है अभी हमारी, यहाँ पे दिखा रहा है क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना सामान खरीदना हमें, हमें खरीदना मान के चलो यहाँ इसका 100, ठीक है। कंप्यूटर कितने खरीदने थे, 100। एक कंप्यूटर कितने रुपए का है हमारा, मान के चलो 5000 रुपये का डाल लेते हैं हम इसमें, ठीक है। 5000 रुपये का एक लैपटॉप कंप्यूटर खरीद लिया। इस प्रकार से
यहाँ इसका एंटर कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा इंटरफेस आ जाएगा। अभी बन के तैयार है हमारा इंटरफेस, ठीक है। इस प्रकार से हमने दे दिया, इसके बाद क्या करेंगे हम एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे इसी प्रकार से, ठीक है। ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट होने के बाद ये करेंगे कंट्रोल F8, इसे करेंगे सेल, बेचेंगे। बेचने में क्या करेंगे अब, जब कैश ही बेच देंगे, कैश बेचने में एंटर करेंगे, ठीक है। ये कैश आ गया। कैश आने के बाद उत्तर प्रदेश ऑर्डर नंबर फर्स्ट है जो हमारे सेल्स का, यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे ओल्ड सी से, ठीक है। सेल्स का लेजर बनेगा। सेल्स किसके अंडर में आता है, सेल्स आता है हमारा सेल्स अकाउंट के अंदर में। ये सेल्स हो गया, सेल्स अकाउंट के अंडर में आ गया। इस प्रकार से इसे भी एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे यहाँ से का। वैसे सर्विस नहीं, गुड्स होता है यहाँ से का, सामान बेच रहे हम, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से का कोई नहीं, लेकिन सर्विस चल जाएगा कोई नहीं। इस प्रकार से यहाँ आने के बाद इसके बाद स्पेस करेंगे। स्पेस करने के बाद यहाँ कंप्यूटर आ गया हमारा। यहाँ से हम एरो की से कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का लेजर हमने ऑलरेडी बना के रखा है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ आने के बाद यहाँ से कितने दिन बाद बेचना, मान के चलो इसे बेचना में 8 दिन बाद, ठीक है। इस प्रकार से कितनी क्वांटिटी बेचनी है हमें, से 50 क्वांटिटी बेच देंगे हम इसे, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ इसका डाल देंगे हम एक कंप्यूटर कितने रुपए का बेचना है, 5500 रुपए का एक बेच देंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारा इसे कर लेंगे हम एक्सेप्ट, ठीक है। इस प्रकार से एक बार हम इसे करेंगे पेजअप, ठीक है। इस प्रकार से करने के बाद ये हमारा दिख रहा है 5000 कितने पीस खरीदे थे हमने, 100 पीस खरीदे थे। इस प्रकार से हम इसे सारे को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ठीक है। इस प्रकार से हम जो है हमारा परचेज ऑर्डर भी क्लियर हो गया। इसके बाद जिसका पेमेंट है उस प्रकार से हम पेमेंट भी दे सकते हैं, जैसे कि इसमें किसका है हमारा सेल्स ऑर्डर परचेज ऑर्डर, यदि हम नाम डाल के देते तो इसमें पूरा निकाल के दे देते हैं एक साथ में, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ हम नाम भी डाल सकते हैं, जैसे कि ये हमारा सेंट्री क्रेडिटर में है और जी ये डेबिटर और क्रेडिटर में डाल सकते हैं यहाँ से हम, ठीक है। इस प्रकार से इसे करेंगे हम रिजल्ट चेक करेंगे हम इसका, एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद आ जाएंगे हम बैलेंस शीट में, इसमें डिस्प्ले में जाके डे बुक में, ठीक है। परचेज ऑर्डर का देखना तो यहाँ से परचेज, सेल्स का देखना तो सेल्स का, ठीक है। यदि हम यहाँ नाम डाल के रखते हैं इस साइड में, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नाम भी आ जाता है उसका, ठीक है। जैसे एक लेने वाला एक देने वाला, इस प्रकार से सेल्स ऑर्डर का हमारा ये रहा, जिसका भी देखना है। इसके बाद इसका प्रिंट निकालना है तो प्रिंट के लिए भी हम, ठीक है, यहाँ से परचेज हो गया, परचेज का भी प्रिंट निकालना है तो ऑल्ट पी करिए। ऑल्ट पी करने के बाद यहाँ प्रीव्यू पे एंटर करें। इस प्रकार से देखो हमारा ये इंटरफेस आ गया, ठीक है। जैसे कि देखो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कितने मंगाए हमने, कंप्यूटर मंगाए हमने यहाँ से देख लो, हमारा डेट है, इस डेट में मंगाने हैं। इसके बाद ये हमारा कितने पीस है, 100 पीस है, 5000 रुपये का एक पीस है, इतने रुपये का हमारा टोटल अमाउंट हो गया। इस प्रकार से करने के बाद इसी प्रकार से हम इसका फिर प्रिंट भी ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यदि निकालना हो, देखो जैसे कि एक बार हम ऑर्डर का इसका भी दिखा देते हैं आपको, एस्केप करेंगे, ठीक है। परचेज सेल्स का भी निकाल लेंगे हम एक बार। इसी प्रकार से ऑल्ट पी करेंगे, यहाँ भी ऑल्ट पी करने के बाद एंटर करेंगे, प्रीव्यू देख लेंगे इसका भी, ठीक है। प्रीव्यू इसका भी सेम प्रीव्यू है, ठीक है। इस प्रकार से देख कर जैसे कंप्यूटर कितने पीस दिए थे हमने, 8 दिन बाद देने हैं इसको हमें 50 पीस है, 2,75,000 रुपये के इसके सामान बैठ गया हमारा ये, ठीक है। इस प्रकार से हमारा निकाल सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें।